Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to start a new chapter, chapter number 12, ratio and proportion. So let's begin with question number 1. Fill in the blank so as to make the following statements true. Fill ups di gayi hai, hume yahan fill karna hai. So hum solutions bhi karte jayenge aur answers bhi likhte jayenge. So first hai 20 is dash times 4, yani ki hum 4 mein kis number ko multiply karenge ki hume 20 milega, okay? So 5 4s are 20. ओके सो 5 टाइम्स 4 इज इक्वल्स टू 20. देन नेक्स्ट इज नंबर 2, 36 इज डैश टाइम्स 9. अब 9 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 36 मिले. सो इट इज़ 4. 9 फोर ज़ा 36 और वी कैन से 4 टाइम्स 9 इज 36. 4 9 ज़ा 36. ओके नंबर 3, द रेशियो ऑफ 8 12 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इज डैश. अब बोला है कि जो 8:12 है, ठीक है, यानी कि 8:12 जो है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा. ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म हम निकालेंगे. अब 8:12 दिया है, यानी कि 8:12, ठीक है. अब इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे 8/12. अब इसका कैंसिलेशन करते हैं, तो इसका कैंसिलेशन हम कर सकते हैं 4 2 8 और 4 3 12. सो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 2/3. ओके सो सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 2:3. ओके यहाँ आंसर लिख देंगे 2:3. देन नंबर 4, द रेशियो ऑफ 15 kg to 20 kg इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इज डैश. अब हमें 15 kg to 20 kg का हमें सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है. ओके सो 15:20 दिया है, इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं 15/20. अब कैंसिल करते हैं, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15 और 5 4 20. ओके 5 5 कैंसिल, बचता है 3/4. सो द सिंपलेस्ट फॉर्म इज 3:4. यहाँ लिख देंगे हम 3:4. नेक्स्ट है नंबर 5, द नंबर 2 5 4 डैश आर इन प्रपोर्शन. अब हमें 3 नंबर दिया है, हमें 4th नंबर ढूंढना है इस तरीके से कि जो चारों नंबर हो वो क्या हो, प्रपोर्शन में हो. ठीक है, तो सबसे पहला हमें दिया है 2 5. ठीक है, उसके बाद 4 है और 4th नंबर मिसिंग है. ठीक है, तो 2 और 5 जो है वो क्या है, रेशियो में है. ठीक है, इस तरीके से है 2:5 और फिर हमें प्रपोर्शन निकालना है 4:2. ठीक है, तो 2/5 हमें दिया है, हमें फाइंड आउट करना है 4/द मिसिंग नंबर. तो 2 में जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 हो जाता है. अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 2 10. ओके सो द मिसिंग नंबर इज 10. ओके तो हमने प्रपोर्शन ढूंढ लिया है 2 5 4 10. ओके दीज 4 नंबर आर इन प्रपोर्शन. देन नेक्स्ट हमें दिया है नंबर 6 6:7 और प्रपोर्शन हमें निकालना है 18:2, यानी कि 4th नंबर मिसिंग नंबर हमें ढूंढना है. हमें दिया हुआ है 6:7 एंड 18:blank. सो 6/7 उसके सामने हमें दिया है 18/the blank space. ठीक है, अब यहाँ पे हमें मिसिंग नंबर ढूंढना है, तो देखो 6 में हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे कि 18 आ जाए, तो 6 3 18 और 7 में भी हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को, 7 3 21. सो द मिसिंग नंबर इज 21. इसको हम एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमें 6/7 दिया है, ठीक है, 18 और हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिया, मतलब x. ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी हम यहाँ पे मिसिंग नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं. 7 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x को 6 के साथ, तो 6 × x 6x = 18 × 7. 18 7 सा हो जाएगा 126. अब 6 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ आप डिवीजन में ले लें, 126 / 6. ओके तो अब इसको डिवाइड कर लें, 126 / 6, 6 2 12 -0 6 नीचे आ जाएगा, 6 1 6. ओके आ गया 21, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 21. तो यहाँ पे मिसिंग नंबर हमें मिल जाता है 21. तो आप इस तरीके से भी, क्विक मेथड है ये, इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये कैलकुलेशन भी कर सकते हैं. नेक्स्ट है नंबर 7, टू क्वांटिटीज़ कैन बी कंपेयर्ड ओनली इफ़ दे आर एक्सप्रेस्ड इन द सेम डैश.
कोई भी दो क्वांटिटी को हम कंपेयर कर सकते हैं ओनली इफ़ दे आर इन द सेम यूनिट, ठीक है। यानी कि अगर सेंटीमीटर्स में है तो दोनों क्वांटिटीज़ का सेंटीमीटर्स में होना ज़रूरी है। एक सेंटीमीटर में है और एक मीटर में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो मीटर वाला है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर सेंटीमीटर वाले को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो दोनों यूनिट का, दोनों क्वांटिटीज़ का, दोनों जो क्वांटिटीज़ है जिसे हम कंपेयर करें उनका सेम यूनिट में होना बहुत ज़रूरी है। देन नंबर 8, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 18/30 इज़, 18/30 का सिंपलेस्ट फॉर्म करना है 18/30, ओके। सो इसको हम कैंसिल करेंगे, 3 से कैंसिल कर लेते हैं, 6 3 18 और 6 5 30, 6 6 कैंसिल, बचता है हमारे पास 3/5। सो सिंपलेस्ट फॉर्म इज 3/5। देन नंबर 9, 8/20 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें एक ब्लैंक स्पेस दी गई है और यहाँ दिया है 30, ठीक है। इसको भी फाइंड आउट करते हैं, 8/20 और यहाँ है 30, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे, सपोज़ यहाँ कुछ नहीं है, हम एक्स अज्यूम कर लेंगे। सो 20 x और 8 x 30, सो 8 x 30 इक्वल्स टू 20 x 20x, यहाँ पे हो जाएगा 8 3 24, 240 इक्वल्स टू 20x। अब यहाँ 20x के साथ मल्टीप्लिकेशन में यहाँ आएगा तो डिविजन हो जाएगा, सो x इज इक्वल्स टू 240/20, 0 0 कैंसिल और 2 12 24, सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 12, ओके। सो यहाँ आ जाएगा 12, ओके। सो दिस इज़ द कैलकुलेशन, ओके, आप कर सकते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। देन नंबर 10 दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है, x अज्यूम कर लेंगे, x/28 इक्वल्स टू 18/24, इसको भी हम सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। x/28 कुछ नहीं दिया, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इक्वल्स टू 18/21। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे 28 को 18 से, x को 21 से, सो x इंटू 21, 21x और 28 x 18। अब 28 मल्टीप्लाई बाय 18 कर लेंगे हम, या फिर हम इजी कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे x रहेगा, 21 जो मल्टीप्लिकेशन है उसको हम अदर साइड डिवीजन में ले लेते हैं, ओके। अब हम कैंसलेशन करेंगे, यहाँ पे 7 3 और यहाँ 6 3 ओके। उसके बाद 7 4 28, अब 4 मल्टीप्लाई बाय 6 कर लेंगे, 24, ओके। सो हमारा आंसर आ गया 24, ठीक है। अगर आपको इस तरीके का कैलकुलेशन इजी नहीं लगता है तो आप क्या करेंगे, पहले ये दो नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसको जो आंसर आएगा 21 से आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से भी आप आंसर ऑब्टेन कर सकते हैं। देन नंबर 11, द मेथड इन विच वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट एंड देन द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट इज़ नोन एज डैश, ठीक है। वो हमें यहाँ पे एक मेथड का नाम बताना है। इस मेथड में क्या होता है कि हमें मान लो फॉर एग्जांपल 5 यूनिट्स की वैल्यू दी होती है, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक यूनिट का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि हमें 5 पेंस का कॉस्ट दिया है 20 रुपीज़, और हमें बोला है कि 6 पेंस का कॉस्ट निकालो, तो हम पहले क्या करेंगे कि इस मेथड के अकॉर्डिंग पहले हम क्या करेंगे, एक पेन का कॉस्ट निकालेंगे और उसके बाद वो जो कॉस्ट आएगा, एक पेन का कॉस्ट होगा, उस हिसाब से हम 6 पेन का कॉस्ट निकालेंगे। तो इस मेथड को बोला क्या जाता है, ठीक है, जिसमें 1 यूनिट का कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, तो इस मेथड को बोला जाता है यूनिटरी मेथड, ठीक है। इस मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस आगे हम सॉल्व करेंगे, यूनिटरी मेथड। देन नंबर 12, द रेशियो ऑफ ₹100 to ₹100 इज डैश, अब 100 rupees to 100 rupees का रेशियो क्या होगा, देखो 100 100 कैंसिल हो जाएगा 1 के साथ, ठीक है, सो रेशियो हो जाएगा 1:1। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर टू इज, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए इज 20 times b, देन वॉट इज़ द रेशियो ऑफ बी टू ए डैश। अब हमें बोला है कि ए क्या है, 20 times b का है। सपोज बी को हम लेते हैं 1, तो ए क्या हो जाएगा, 1 × 20 20, यानी कि ए क्या हो जा रहा है 20 और बी हमने क्या अज्यूम किया था 1, ठीक है। तो वॉट इज़ द रेडियो रेशियो ऑफ बी टू ए, अब बी टू ए का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:20।
20, ओके 1:20, तो यहाँ पे आंसर आ जाता है, उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। देन नंबर टू, फिफ्थ पार्ट ऑफ 40 इज डैश। अब हमें 40 का फिफ्थ पार्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, 40 डिवाइडेड बाय 5, 40 को डिवाइड कर दो 5 से, 8 5 ज़ा 40, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको डिवीजन करना है। देन नंबर थ्री, द रेशियो ऑफ 42 पैसे टू 35 पैसे इज़, अब 42:35 का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे हम, ठीक है, हमें दिया हुआ है 42:35, 42 बाय 35, ठीक है। अब इसका हम सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे, सो यहाँ 6 7 ज़ा 42 और 5 7 ज़ा 35, 7 7 कैंसिल, हमारा बचता है 6 बाय 5, तो रेशियो हो जाएगा 6:5, ओके आंसर इज 6:5। देन नंबर फोर, द रेशियो ऑफ 15 लीटर्स टू 20 लीटर्स इज डैश। अब 15 to 20 लीटर का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, सो 15 बाय 20, सो 5 3 ज़ा 15 एंड 5 4 ज़ा 20, 5 5 कैंसिल, हमारा बचता है 3 बाय 4, सो रेशियो आ जाता है 3:4, ओके आंसर इज 3:4। देन नंबर फाइव, द रेशियो ऑफ 250 ml to 2 liter इज डैश। ठीक है, अभी अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में देखा था कि कभी भी रेशियो निकालते हैं तो दोनों यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे ml है लेकिन यहाँ पे लीटर्स है, तो हम क्या करेंगे, 2 लीटर्स को ml में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तो 250 ml हमारे पास है ही, हमें क्या करना है, 2 लीटर्स को कन्वर्ट करना है ml में, तो 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 2 लीटर्स में 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 2000 ml होता है। अब हमें रेशियो निकालना है 250:2000 का, ओके सो 250 बाय 2000, ओके 0 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 25 1s are 25 और 25 8s are होता है 200, 25 25 कैंसिल, हमारा रेशियो आ जाएगा 1:8, ओके सो आंसर इज 1:8। नेक्स्ट हमें दिया है 2:3 4:-, ठीक है, प्रपोर्शन हमें निकालना है, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है 2:3, प्रपोर्शन में दिया है 4:-, ठीक है, सो 2 बाय 3 हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है 4 बाय डैश, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, या तो फिर आप कर लो 2 2 ज़ा 4 होता है, 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 ज़ा 6, ओके सो आंसर इज 6, ओके। देन नेक्स्ट नंबर सेवन, द रेशियो ऑफ डैश मीटर टू 14 मीटर इज 3:2, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, हमें यहाँ एक मिसिंग वैल्यू दी है, तो इसको आप अज्यूम कर लो एक्स, ठीक है, बाय 14, और उसके सामने हमें दिया है 3:2 यानी 3 बाय 2। अब हमें यहाँ ये मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, एक्स इंटू 2x और 14 × 3 कर लेंगे, ठीक है, 14 3 ज़ा 42, सो 2x = 42। अब x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, 42 बाय 2, डिवाइड कर दें 42 को 2 से, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, सो x की वैल्यू आ गई 21, ओके सो 21 meter to 14 meter इज 3:2, ठीक है, यानी कि 21 meter और 14 meter का रेशियो निकालेंगे तो आपको मिलेगा 3:2। नेक्स्ट हमें दिया है नंबर एट, इफ 40 rupees इज डिवाइडेड बिटवीन राम एंड श्याम इन द रेशियो 5:3, देन श्याम गेट्स ₹, ठीक है। अब 40 rupees हैं, ठीक है, उसको श्याम और राम और श्याम के बीच में डिवाइड कर देना है, लेकिन किस रेशियो में, 5:3 रेशियो में, यानी कि राम का शेयर क्या होगा 5 और श्याम का शेयर होगा 3, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि श्याम का शेयर कितना है, ठीक है, राम का शेयर हमें फाइंड आउट नहीं करना है, ठीक है, तो श्याम का शेयर कितना निकालेंगे, तो देखो रेशियो के हिसाब से श्याम का शेयर क्या है 3, ठीक है, और टोटल कितना है 5 + 3 8, तो इसी के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे श्याम का शेयर। रुपीज़ हमें दिए हैं 40, रेशियो हमें दिया हुआ है 5:3, श्याम का शेयर है 3, ठीक है, सो 40 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, जो भी शेयर आप फाइंड आउट कर रहे हो उसको मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें टोटल से,
तो 5 + 3 8, ठीक है। अब फाइंड आउट कर लेते हैं, 8 × 5 = 40 एंड 5 × 3 = 15, ठीक है। तो शाम को कितने रुपीस मिलेंगे, 15 रुपीस मिलेंगे। ओके, सो यहाँ लिख देते हैं ₹15। यहाँ पे आंसर को भी टिक मार्क कर देंगे 15। देन नेक्स्ट 9, 60/80 इज़ रिटन इन द लोवेस्ट टर्म एज। अब 60/80 को हमें कैंसिल करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो कैंसिल करते हैं 60/80, 0 0 कट। अब बचा 6/8, सो 3 × 2 = 6 एंड 4 × 2 = 8, 2 2 कैंसिल, बचता है हमारे पास 3/4। ओके, सो आंसर इज 3/4। देन नेक्स्ट नंबर 10, 3:4 प्रोपोर्शन हमें फाइंड आउट करना है 9:- ठीक है। अब हमें दिया हुआ है 3/4, हमें फाइंड आउट करना है 9/-, ठीक है। अब देखो 3 × 3 होता है 9, 3 × 3 = 9 और 4 × 3 = क्या हो जाएगा, 12। सो द मिसिंग नंबर इज 12, यहाँ हम लिख देंगे 12। देन नेक्स्ट नंबर 11, 1:-= 8:72, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, 1:- मिसिंग वैल्यू है और हमें दिया है 8:72। अब इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, देखो इस तरीके से 1/, यहाँ पे डैश है, ठीक है, =8/72। अब 1 में जब ओके 8 में जब हम 8 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 8 को 8 से डिवाइड कर दें आप, तो क्या मिलेगा आपको, 1, ठीक है। 8 8 कैंसिल हो जाएगा, 8 1 = 8, ठीक है। तो 72 को भी आप क्या करें, 8 से डिवाइड कर लें, तो 72 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 9। ओके, 9 8 = 72, सो द मिसिंग नंबर इज 9, ठीक है। ये तो हमने डायरेक्टली किया, आप एक्स वाले फॉर्म से भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उस मेथड से भी करते हैं, 1/x, ठीक है, 8/72, सो एक्स इंटू 8 8x और 1 × 72 72, सो 8x = 72। अब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, 72/8, सो 9 8 9 = 72, सो एक्स की वैल्यू आ जाती है 9, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं या डायरेक्टली डिवीजन करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देन नंबर 12, 4 dozen पेन्स कॉस्ट 56 रुपीज, सो द कॉस्ट ऑफ 3 dozen पेन्स इज डैश। 4 dozen पेन 56 रुपीज में आ रही है, तो 3 dozen पेन कितने में आएंगी, ठीक है। इसको भी आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम यूनिटरी मेथड सीखेंगे, यानी पहले 1 dozen का कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे बोला है 4 dozen पेन्स का कॉस्ट है 56 रुपीज, ठीक है। 4 dozen का 56 है, तो 1 dozen का कितना कॉस्ट होगा, ठीक है। सो 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 × 56/4, 4 से डिवाइड कर लें 56 को, 4 × 1 = 4 माइनस 4 × 4 = 16, ओके। सो 1 dozen का कॉस्ट आ रहा है 14 रुपीज़। अब 3 dozen का कितना होगा, तो 1 dozen का 14 रुपीज़ है, तो 3 dozen का कॉस्ट क्या होगा, तो 3 को मल्टीप्लाई कर लें 14 से, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1, सो 3 × 14 42 रुपीज़, ठीक है। सो आंसर आ रहा है 42 रुपीज़, ठीक है। ये तो था यूनिटरी मेथड, ठीक है। आप एक और मेथड से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि 4 dozen का अगर कॉस्ट 56 रुपीज़ है, तो 3 dozen का कॉस्ट कितना होगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं कॉस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। यहाँ पे हमने यूनिटरी मेथड अप्लाई किया था, इसलिए हमने 1 dozen का कॉस्ट निकाला था, लेकिन यहाँ आप डायरेक्टली 3 dozen का भी कॉस्ट निकाल सकते हैं। सो 3 × 56/4, अब आप क्या करें, 4 को 56 के साथ कैंसिल कर लें, तो ठीक है, तो 4 × 14 क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 40, 3 को फिर मल्टीप्लाई कर लें 14 के साथ, तो हो जाएगा 42 रुपीज़, ठीक है। तो आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं और इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, आंसर आएगा 42 रुपीज़। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3, चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन एंड राइट इट इन द बॉक्स।
सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है द रेशियो ऑफ 60 पैसे टू 2 रुपीज़ इज डैश, ठीक है, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, बट यहाँ क्या दिया हुआ है 60 पैसे और 2 रुपीज़ दिया हुआ है, यानी कि दोनों के यूनिट्स क्या है, डिफरेंट है. सो फर्स्ट व्हाट विल डू, हम 2 रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है. तो इस तरीके से कन्वर्जन करते हैं, हमें दिया हुआ है 60 पैसे, ओके, और 2 रुपीज़ दिया हुआ है. अब 2 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, सो 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 रुपीज़, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 100, 200 पैसे. तो अब हमें रेशियो फाइंड आउट करना है 60:200 का, ओके. सो 60 डिवाइडेड बाय 200, फ्रैक्शन में लिख लेंगे 0 0 कट. अब कैंसिल करते हैं, 3 2 ज़ा 6 और 10 2 ज़ा 20, 2 2 कट, 3 बाय 10. सो द रेशियो इज़ 3:10, 3:10. आंसर इज सी, 3:10. देन नंबर टू, 12 बॉल पेन्स कॉस्ट 60 रुपीज़, सो 5 बॉल पेन्स विल कॉस्ट डैश रुपीज़, यानी कि 12 बॉल पेन्स का कॉस्ट 60 रुपीज़ है, तो 5 का कॉस्ट कितना होगा, ठीक है. हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि 12 पेन्स, ठीक है, कितने की आ रही है, 60 रुपीज़ की आ रही है, तो 5 पेन्स कितने रुपीज़ की आएंगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5 × 60 डिवाइडेड बाई 12. अब कैंसिलेशन करेंगे, 12 5 ज़ा 60 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 25, सो 5 बॉल पेन्स आएंगी 25 रुपीज़ की. आंसर इज डी, 25. नाउ नंबर 3, 7:28, यानी कि 7:28 का क्या है, 4 टाइम्स है, 4th पार्ट है, या 7 टाइम्स है, या 7th पार्ट है, ठीक है. तो 28 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, ठीक है, यानी कि 28 का 4th पार्ट जो है वो क्या है, 7 है. सो आंसर इज बी, यहाँ हम लिख देंगे 4th पार्ट ऑफ, ओके, आंसर इज बी. देन नंबर 4, इफ 50 चॉकलेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन प्रिया एंड धीरज इन द रेशियो 2:3, देन प्रिया विल गेट डैश चॉकलेट्स, ठीक है. अब 50 चॉकलेट्स हैं, उसको डिवाइड करना है प्रिया और धीरज में, ठीक है, कौन से रेशियो में, 2:3, यानी कि प्रिया का शेयर होगा 2 और धीरज का होगा 3. अब प्रिया को कितनी चॉकलेट्स मिलेंगे, तो प्रिया का शेयर क्या है, 2 है, तो हम प्रिया का शेयर निकाल लेते हैं, ठीक है. 50 चॉकलेट्स हैं, प्रिया का शेयर है 2, और टोटल पार्ट कितना है, 2 + 3 5, ओके. अब कैंसिल कर लेते हैं, 5 10 ज़ा 50 और 10 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 20, यानी कि प्रिया को कितनी चॉकलेट्स मिलेंगी, 20 चॉकलेट्स मिलेंगी. सो आंसर इज बी. नाउ नंबर 5, 3:4 एंड डैश आर इक्विवेलेंट रेशियो. अब हमें इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड आउट करना है 3:4 का, ठीक है. तो हम सबसे पहले कैंसिल आउट करेंगे जो हमें रेशियोज गिवन है, ओके. फर्स्ट हमें दिया हुआ है 9:16, तो हम पहले 9:16 का क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लेंगे. तो 9:16 दिया है, मतलब 9/16. सो 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16, यहाँ पे तो कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा है, सो ये तो इक्विवेलेंट रेशियो नहीं हुआ, ठीक है. 4:3, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, यानी कि ये भी इक्विवेलेंट रेशियो नहीं है. फिर हमें दिया है 9:12. अब 9:12 को हम कैंसिल करते हैं, 3 3 ज़ा 9 और 4 3 ज़ा 12, सो 3 3 कैंसिल, 3:4, ओके. सो 3:4 ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट रेशियो. सो 9:12 इज़ द आंसर, आंसर इज सी. देन नंबर 6, 7:11 इज़ इन प्रपोर्शन टू 21:-, ठीक है. अब हमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, सो 7/11 दिया हुआ है और 20/, यहाँ पे मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो देखो मल्टीप्लीकेशन करके फाइंड आउट करते हैं, 7 3 ज़ा 21 एंड 11 3 ज़ा 33, ओके. सो द नंबर इज ए, 33, आंसर इज ए. देन नंबर 7,
नंबर सेवन हमें दिया है डैश टाइम सिक्स इज 42, यानी कि किस नंबर को हम सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे कि 42 आ जाएगा. सो सेवन सिक्स आ 42, सेवन टाइम सिक्स इज 42. सो आंसर इज बी. देन नंबर एट, विच ओ सॉरी व्हेन एक्स रुपीज इज डिवाइडेड बिटवीन मनु एंड कनु इन द रेशियो 5:3, मनु गेट्स 50 रुपीज, द अमाउंट दैट कनु गेट्स इज डैश. यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ टोटल रुपीज़ हमें यहाँ नहीं दिया है, बोला है कि कुछ अमाउंट था जो कि मनु और कनु के बीच में डिवाइड कर दिया. ठीक है, किस रेशियो में? 5:3 के रेशियो में. तो मनु को कितने मिलते हैं? 50 रुपीज़ मिलते हैं. अब हमें यह बताना है कि कनु को कितने रुपीज़ मिलेंगे. ठीक है, तो देखो मनु का शेयर क्या था? 5. ठीक है, और कनु का शेयर था 3. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे. अगर फिफ्थ शेयर, ठीक है, यहाँ पे मनु का अमाउंट भी दिया है 50 रुपीज़, कि अगर फिफ्थ शेयर 50 रुपीज़ है तो हमें कनु का शेयर कितना है? 3. तो थर्ड शेयर कितना होगा? सो 3 × 15/5. सो 3 × 50 कर लेंगे, 3 × 50/5. सो 5 × 10 = 50, 3 × 10 = 30 रुपीज़. ठीक है, तो कनु का शेयर क्या होगा? 30 रुपीज़. सो आंसर इज बी, 30. नेक्स्ट विल सी क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट हमें दिया हुआ है इफ P:Q इज इन प्रपोर्शन टू M:N, देन PN = QM. ठीक है, सबसे पहले हम ये प्रपोर्शन लिखेंगे. P:Q दिया, इट मीन्स P/Q. ठीक है, और ये किसके प्रपोर्शन में है? M/N के प्रपोर्शन में. क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो P×N PN हो जाता है, Q×M QM हो जाता है. ठीक है, सो PN = QM, इट मीन्स द स्टेटमेंट इज ट्रू. देन नेक्स्ट हमें दिया है 7:8 एंड 8:7 आर इक्वल रेशियो. तो क्या ये इक्वल रेशियो है? नहीं है. 7:8 और 7:8 इक्वल होगा, 8:7 इक्वल होगा. ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है. सो द आंसर इज फॉल्स. देन नंबर 3, 6, 7, 12, 13 आर इन प्रपोर्शन. क्या ये प्रपोर्शन में है? हम फाइंड आउट करते हैं. तो देखो फर्स्ट हमें दिया है 6 और 7, सो 6/7, और यहाँ हमें दिया है 12/13. ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म तो 12/13 ही रहेगा, क्योंकि 13 क्या है? एक प्राइम नंबर है. ठीक है, तो ये दोनों जो है वो प्रपोर्शन में नहीं है. सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स. नंबर 4, द रेशियो ऑफ 50 रुपीज़ to 100 meter इज 1:2. अब यहाँ पे हमें दिया है कि 50 रुपीज़ और 100 मीटर का रेशियो 1:2 है. ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ 50 है, यहाँ 100 है, कैंसिल कर लो, 1:2 आ जाएगा. बट क्या ये एक्चुअली में सही है? ये गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि जब भी हम रेशियो निकालते हैं दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. लेकिन यहाँ यूनिट क्या है? डिफरेंट है. यहाँ रुपीज़ है, यहाँ मीटर है, और इसको हम कन्वर्ट भी नहीं कर सकते. ठीक है, रुपीज़ को हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कर सकते हैं, लेकिन रुपीज़ को मीटर में नहीं कर सकते, क्योंकि ये मनी डिनोट करता है और ये लेंथ डिनोट करता है. ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट हो जाता है फॉल्स. ठीक है, यूनिट पे भी आप ध्यान दें. देन नंबर 5, द रेशियो ऑफ मदर्स एज टू डॉटर्स एज कैनॉट बी 2:5. यहाँ बोला है कि मदर और डॉटर की एज का रेशियो 2:5 नहीं हो सकता. ठीक है, अब यहाँ बोला है कि मदर की एज का शेयर क्या पार्ट है? 2 पार्ट है, और फिफ्थ डॉटर की एज का पार्ट क्या है? 5th है. ठीक है, यानी कि यहाँ डॉटर की एज का पार्ट ज़्यादा दिखा रहे हैं, मदर की एज का पार्ट कम दिखा रहे हैं. ठीक है, सो यहाँ पे ये पार्ट नहीं हो सकता ना, क्योंकि मदर की एज डेफिनेटली ज़्यादा होती है फ्रॉम देयर चाइल्ड. ओके, सो मदर की एज का जो पार्ट होगा वो ज़्यादा होगा देन द डॉटर्स. ओके, सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है कि ये दिस कैन नॉट बी द रेशियो. सो द स्टेटमेंट इज ट्रू. देन नंबर 6, 60 cm = 80 cm एंड 90 cm = 120 cm. अब बोला है कि ये दो प्रपोर्शन इक्वल है. ठीक है, ये दोनों रेशियो इक्वल है. ठीक है, तो हम कैंसिल करके फाइंड आउट करेंगे कि वेदर दे आर इक्वल और नॉट. सो 60 to 80 दिया, तो 60/80 कैंसिल कर लेंगे, 0 0 कट, 3 2 = 6 एंड 4 2 = 8. सो 3/4 आ रहा है यहाँ पे. अब 90/120 का करेंगे,
सो 0 0 कैंसल. अब 3 3 ज़ा 9 और 4 3 ज़ा 12. 3 3 बाय 4 3 बाय 4 आ रहा है. सो येस दे आर इक्वल. सो स्टेटमेंट इज ट्रू. देन नंबर 7. इफ राम कैन रन 12 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स देन ही कैन रन 10 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स. अगर राम 12 किलोमीटर्स 3 आवर्स में भाग सकता है तो ही कैन रन 10 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स. क्या ये ट्रू है? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रेशियो निकालेंगे. ठीक है, अगर 12 किलोमीटर्स वो 3 आवर्स में 12 किलोमीटर्स रन कर रहा है तो वो 2 आवर्स में कितना कर पाएगा. ठीक है, ऐसा रेशियो निकाल लेंगे. 2 × 12 = 24/3. सो 3 को कैंसिल कर लेंगे, 8 आएगा. यानी कि वो 2 आवर्स में 8 किलोमीटर्स जा सकता है, ना कि 10 किलोमीटर्स. ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स. देन नंबर 8, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 24/28 इज 6/7. ठीक है, तो इसको कैंसिल करते हैं. देखो 24/28 दिया है, कैंसिल करेंगे. 6 4 ज़ा 24 एंड 7 4 ज़ा 28. सो 4 4 कैंसिल, 6/7. सो द स्टेटमेंट इज ट्रू. सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है ख़त्म. If you have any doubt, query or suggestion, let me know in the comment section. I will see you in the next video with the next part of this chapter. Till then, bye-bye. Take care.